देखिए, आज डिस्कस करेंगे हम सब्ट्रैक्शन जो करेंगे यूजिंग सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले ध्यान रखिए आपके पास 15 है, इसको बाइनरी नंबर में लिख लीजिए। 6 है, इसको भी बाइनरी नंबर में लिख लीजिए। लिखने क्या है, पहले ना आप 7 बिट में लिख लीजिए, 15 को भी 7 बिट में लिख लो, 6 को भी 7 बिट में लिख लो। 8वीं बिट आप प्लस के लिए 0 लगा देना और माइनस के लिए 1 लगा देना। ठीक है जी। अब जो नेगेटिव नंबर होता है ना, हमेशा उसी का ही सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास माइनस 15 था, यहाँ 7 बिट तक हमने 15 बना लिया, 8वीं बिट हमने 1 जो नेगेटिव शो किया है इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसको फिर हम क्या करेंगे, 6 में ऐड कर देंगे। ये जो नंबर आया मेरा, इसको हमने 6 में ऐड कर दिया, जो 6 नंबर है हमारा। इसके 8वीं बिट हमने 0 शो कर रखी है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इनकी हमने एडिशन कर दी। एडिशन करके आपका जो रिजल्ट आया, अगर तो देखो आपका वो रिजल्ट जितने 8 बिट का क्वेश्चन है, 8 बिट का ही अगर आंसर आता है तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको एक बार टोटल करके देख लीजिए, अगर आपका जो नंबर है वो क्या आना चाहिए, 15 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, -9। बट यहाँ से अगर हम देखें तो ये नंबर -9 नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करो, आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लो एक और, आपका वही आंसर आ जाएगा जो आप चाहते हो, अदर देन आपका आंसर यहीं पर ही आ जाएगा। थैंक यू।